केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र ने मंकी पॉक्स से निपटने के लिए वैक्सीन और जांच के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नई दिल्ली में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में निवेशकों से बिहार में निवेश करने का किया अनुरोध। पटना के ज्ञान भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। औरंगाबाद में साइबर अपराध को नियंत्रित करने और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पुलिस द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में 9 करोड़ रुपए की लागत से मृत पड़ी सतघरवा जलाशय योजना का जीर्णोद्धार होगा। दरभंगा जिले के अम्बेडकर सभागार में डीजीपी एसके सिंघल ने मिथिला क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। बक्सर में गंगा नदी उफान पर प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का पानी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में आज से शुरू हो रहे राष्ट्रमंडल खेलों में 215 सदस्यीय भारतीय दल के सदस्य 16 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे।